गाजियाबाद कोतवाली पुलिस ने ऑटो गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें बीते 30 जनवरी को पांच सितारा होटल के एक सेफ और ऑटो में बैठकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल ऑटो गैंग के दो सदस्य पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं मास्टरमाइंड वसीम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाशी कर रही है। पुलिस के मुताबिक ऑटो को सुनसान जगह पर ले जाकर सवारियों से लूट की जाती थी, जिसमें गैंग का एक सदस्य ऑटो चलाता था तो दूसरे दो ऑटो में बैठ जाते थे, जिससे ये लोगों की जो है सवारी ऑटो में ही बैठी रहे और सुनसान रास्तों में पहुंच सवारियों के साथ लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। आरोपी लगभग दो दर्जन घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। वहीं आरोपी कल भी एक घटना को अंजाम देने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये थाना विजयनगर क्षेत्र में 30 जनवरी की रात्रि में एक फाइव स्टार होटल के शेफ हैं, उनके साथ में रात्रि लगभग 12 बजे के करीब घटना हुई थी, जिसमें वो सेक्टर 62 से उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑटो लिया और उनको यहाँ उतरना था गाजियाबाद में आकर के। बीच में ही ये लोग उनको किसी कच्चे रास्ते पर ले गए, उनके साथ में लूटपाट की घटना की और उसको बीच में ही उतार दिया।